जिंदगी तुम आ गए। चला जाओ, कहीं और दिल लग जाएगा। कम वक्त कहीं और लगता तो शाम को चेहरा देखने घर क्यों आता। ए, क्या वाकई तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? कोई 7 साल हो गए हमारी शादी को। मुझे तो याद नहीं कि मैंने एक रात भी तुम्हारे बेडरूम के बाहर गुजारी। और अब तो हम लोग एक बच्ची के माँ बाप बन गए हैं, अब भी शक करती हूँ मुझ पर। ये धक्का तो औरत को कई बच्चों की माँ बनकर भी लगा रहता है। जानी मियाँ की नजर कब फिसल जाए? हम फिसल तो पहले ही गए। आप अपने दिल के कोने पर अच्छी तरह लिख लें कि हमारा आगाज भी आप हैं और अंजाम भी आप। अब तो बस एक ही दुआ है कि तुम्हारा और अपनी बेटी बबली का चेहरा देखते देखते हमें मौत आ जाए। अरे ये आंसू क्यों? खबरदार, जो मुझे कभी ऐसी बद्दुआ दी। अरे बाबा, बद्दुआ नहीं, अपनी बीवी के लिए हमारी चाह की इंतहा है। खैर छोड़ो इन बातों, ये बताओ बबली कहाँ है? ट्यूशन पढ़ने। पापा, पापा। लो आ गई पापा की जान। चलो जल्दी से पापा की पप्पी लो। अरे भाई, पापा से नाराजगी क्यों है? पापा आपकी याददाश्त चली गई। नहीं नहीं तो? आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। अरे भाई क्यों नहीं है, ऐसा क्यों सोच लिया आपने? कहाँ है मेरी चॉकलेट? ओ तो ये झगड़ा इसका है। चलिए आंख बंद कीजिए, आंख खोलिए। ये रही आपकी चॉकलेट। अरे बाबा, आपका पापा सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपनी बेटी की चॉकलेट नहीं भूल सकता। थैंक यू पापा। यू वेलकम। चलिए जल्दी से पक लीजिए। शाबाश, अब जाइए अपने कपड़े बदलिए और फ्रेश हो जाइए। और मैं चलता हूँ एक फोन करने। किसे करना है फोन? किसी सौतन को नहीं, अपने दोस्त रहमत अली को। आप यूपीआर क्या लेकर आए? ना ये लड़का खुद पढ़ता है, ना नजमा हैदर को पढ़ने देता है, सारा दिन फिल्म लगाए बैठा रहता है। क्यों सज्जाद, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं किताबी कीड़ा नहीं हूँ अबू, जो चीज एक बार देख लूँ मेरे जहन में नक्श हो जाती है। फिल्म तो मैं होमवर्क खत्म करके देख रहा हूँ। देखो सज्जाद, एक ही घर में रहते हुए आपको ये देखना चाहिए कि आपका शौक आपके बहन भाइयों के लिए परेशानी का बायस तो नहीं बनता। आइंदा अपनी माँ का कहना माना करो और अपने बहन भाइयों की खुशी का ख्याल रखा करो। ठीक है अबू। आओ सज्जाद, मेरे पास बैठ के टॉफी खाओ। जी जनाब, अब आप हमें एक गरम गरम कप चाय पिला दीजिए। थैंक यू। हेलो, हाँ असलम खान। हाँ हाँ, कल कोर्ट में मेरी पेशी है और मेरी गवाही है। वकील से वक्त ले चुका हूं, उससे मशवरा जरूरी है। ठीक है, वकील साहब से चलकर बात कर लेते हैं। तुम तैयार हो जाओ, मैं आता हूं। ओके। ये सरकारी वकील से क्या काम आ पड़ा? कल एक मुकदमे में पेशी है। कैसा मुकदमा? देखिए मोहतरमा, आपका शौहर एक शरीफ आदमी है, कस्टम ऑफिसर है। जाहिर मुकदमा किसी अगवा या इस्मत का तो नहीं हो सकता। हमारी जिंदगी भी आपकी है, आप तहर आने वाली आफत की लपेट में हम भी आ सकते हैं। जाने मन, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रहमत तेरी जिस मिल में काम करता है, मैंने उसके कुछ ट्रक पकड़े थे, उनमें कुछ चीजें स्मगल हो रही थी। ये बात रहमत अली के बॉस तक पहुंची और उसने शायद उसका नोटिस लिया, इसीलिए उसके कुछ बेईमान कारिंदों ने उसका कत्ल कर दिया। उसी मुकदमे की कल गवाही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मरने वाला तो वापस नहीं आ सकता। जो गुंडे आपके बॉस की जान ले सकते हैं, उनके खिलाफ गवाही देने से वो आपके लिए भी मुसीबत बन सकते हैं। बेगम, आजकल सड़कों और बाजारों में खून इसलिए बहाया जा रहा है, जरायम इसीलिए बढ़ रहे हैं कि लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अगर देखते हैं तो डर के मारे गवाही नहीं देते। मेरा बॉस एक फरिश्ता इंसान था और मैं नहीं चाहता उसका खून बेकार चला जाए और कातिल सजा से बच जाए। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेगम, वो लोग आजाद नहीं हैं, जेल में बंद हैं।
तुम तो जेल में थे। हम अब भी जेल में हैं। यहाँ आए कैसे? ये मत पूछो आए कैसे, ये पूछो आए क्यों। तकदीर ने तुम्हारी मुट्ठी में, हमारी जान दे दी है। कल मुकदमे की समाअत है, कलम जज साहब का चलेगा, लेकिन हमारी मौत का फैसला तुम लिखोगे। जो कत्ल हमने किया है उसके चश्मदीद गवाह सिर्फ तुम हो। तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही ना दूं। हम पर तुम्हारा करम होगा। चुप रहोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, हमें जिंदगी मिल जाएगी। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी चुप की कीमत भी दे सकते हैं। तुम खरीद में आए हो, मैं बेकाऊ चीज नहीं हूं। इस दुनिया में क्या चीज है जो खरीदी नहीं जा सकती, क्या है जो बिक नहीं सकता? मेरा ईमान। हम नहीं चाहते कि तुम्हारा ईमान तुम्हारे साथ जाए। मैं टूटने वाला नहीं हूं। तुम यह धमकी किसी और को देना। हम मामला तुमसे करने आए हैं, तुम गवाही नहीं दोगे। मैं गवाही जरूर दूंगा। तुम गवाही नहीं दोगे, मना करो। नहीं, नहीं। कुत्ते कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने हमारे अबू को मार दिया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। बेटे चाचा, जेल से तीन हुंडे आए थे, उन्होंने हमारे अब्बू का खून कर दिया। खून कर दिया? हाँ। कहाँ है वो? इधर। चाचा
उन्होंने हमारी बहन की इज्जत लूटी और उसने खुदकुशी कर ली। भाभी कहाँ है? माँ माँ ऊपर है। चलो मेरे साथ। मिस्टर खान, ये जुर्म अनवर अकबर और बिल्ला कैसे कर सकते हैं? वो तो सलाखों के पीछे बंद है। उन्हें अब्बू ने भी कहा था, तुम तो जेल में थे। हाँ हाँ, अब्बू ने कहा था। हाँ हाँ बेटे, वो अब भी जेल में हैं। हो सकता है इंस्पेक्टर साहब वो लोग इस वक्त जेल में ना हो। आइए आइए मेरे साथ। चलो बेटे आइए। सर आइए आइए आइए। अनवर, अकबर, बिल्ला। क्या हुआ साहब? यही तीनों थे चचा। इन्हीं लोगों ने हमारे बाप पर गोली चलाई थी। चचा, इसी ने हमारी बहन की इज्जत लूटी थी। आप खुद भी एक सरकारी अफसर हैं, क्या आप मान सकते हैं कि कैदी जेल में भी हो और बाहर जाकर कत्ल भी कराए? ये जेल है, किसी की खाला का घर नहीं है। लाशें घर में पड़ी है, बच्चे जिन्हें इल्जाम दे रहे हैं वो जेल में बंद है। समझ में नहीं आता है सब कुछ क्यों कर हुआ और कैसे हुआ। हमारी बात का यकीन करो चाचा, यकीन करो चाचा। मैं तो यकीन कर लूंगा बेटे, लेकिन कानून कैसे यकीन करेगा? अब चलो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं की नजर लग गई है। कुछ बिछड़ गए और कुछ बिखर गए। अब्बू, मुझे कसम है इस मिट्टी की और बहन के दुपट्टे की, जब तक आप पर किए हुए जुल्मों का उन कातिलों और दरिंदों से बदला नहीं ले लूंगा, सारी जिंदगी चैन से नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा।
सज्जाद, मेरे भाई, बदला लेना तेरा काम नहीं। तो फिर किसका काम है हैदर भैया? किसके दिल में जख्म लगा है? कौन जला है साग में? कौन लेगा बदला? कानून जो घरों में आकर खून करने वालों का हाथ नहीं पकड़ता, जो किसी मासूम की इज्जत को तार तार होने से नहीं बचा। कानून होता भैया तो हमारी मां घर पे होती, हमारा बाप हमारे सर पे सलामत होता, और ये दुपट्टा हमारी बहन के सर पे होता, और आज आज मां उसके हाथों में मेहंदी रचाकर उसे ससुराल भेजने का शगन कर रही होती। तुम्हारा शिकवा बजा है, लेकिन इसके बावजूद कानून है सज्जाद, और माशरे के किसी फर्द को हक नहीं पहुंचता कि वो कानून को हाथ में लेकर किसी ज्यादती करने वाले से बदला खुद ले। तुम तो कानून की बात करोगे इसलिए कि तुमने अपने जिस्म पर कानून की दी हुई ये वर्दी सजा रखी है। ये वर्दी पहनकर मुझे लोगों पर रोब जमाने, उनसे सलाम कराने का शौक नहीं। ये वर्दी मैंने इसलिए पहनी है कि मैं मुजरिमों को पकड़कर कानून के हवाले कर सकूं। नहीं, तुम उन कातिलों और खूनियों को तहफ़ुज़ देना चाहते हो, उन्होंने तुम्हें खरीद लिया है। मैं बिकाऊ चीज नहीं हूं सज्जाद। मैंने रिश्वत लेकर पाप का खून आलूद कुर्ता, जिस पर बहन की इज्जत लुटने का मुकदमा दर्ज था, वो FIR नहीं बेची। तुमने मुझ पर इल्जाम नहीं लगाया, मुझे गाली दी। मैं उन खूनियों का जुर्म साबित करके उन्हें जेल भिजवाना चाहता हूं। तुम्हें उन कातिलों के कातिल के रूप में नहीं देखना चाहता। कातिल जिंदा हो तो हजार साल पुरानी फाइल भी ओपन की जा सकती है। मैं अपने भरपूर तावन के साथ तुम्हें दोबारा इस केस की तफ्तीश की इजाजत देता हूं। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर हैदर, 20 साल में दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, लोग कहां से कहां पहुंच गए। तुम ये तो पहचानते होगे कि तुम्हारे खानदान पर तबाही लाने वाले कौन हैं? हाँ। लेकिन ये कैसे जानोगे कि वो कहां और किस मकाम पर पहुंच चुके हैं? फर्क कर नियत पर शक किया अकबर से? नहीं मेरे दोस्त, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि भरोसा अपने बाप का भी ना करो। अनवर बिल्ला, तुम बाहर से कब आए? हफ्ता हो गया। बेवफा मिलने आज आए हो? तुम हीरों का धंधा कर रहे हो। अनवर होटल की आड़ में हराम की दौलत इकट्ठी कर रहा है। अब मुझे भी तो कुछ करना है यार। बोल, तेरा खबीज दिमाग बाहर से क्या मंसूबा लाया है? चलो चलकर ओपनिंग करें। अबे किसकी? शादी के दफ्तर की। बेटा तुम नहीं जानते, हमारे इस मुल्क में बेटी की रुख्सती माँ बाप के लिए एक रोग बन गया है, और मैंने इस रोग का इलाज सोचा है। क्या मतलब? मतलब ये कि यहां अमीर रिश्ता माँ बाप की ख्वाहिश है, मगर उसे खरीदने के लिए पैसा नहीं है। बाहर लड़कियों की डिमांड भी है और बेपनाह दौलत भी है। हमारा मकसद है ऐसे माँ बाप को ढूंढना और शादी के नाम पर माकूल कीमत पर उनकी बेटियों को खरीदारों तक पहुंचाना। चलो चलकर ओपनिंग करो। चलो। ओके। Ha, 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 ha.
लो बिल्ले, तुम्हारा धंधा तो चालू हो गया। तू बता, होटल की डांसर से मामला निपटा? नहीं यार, अभी तक उसे तन्हाई तक नहीं ला सका। खून पानी हो गया या शराफत का चोला पहनकर बुजदिल हो गए हो? तुम तो कहा करते थे रोटी ठंडी करके खानी चाहिए और औरत के मामले में हथेली पर सरसों जमानी चाहिए। ठीक है ठीक है, आज के बाद तुम लोग मुझे डांसर का ताना नहीं दोगे। We'll be right back.
तुम्हारा लिबास ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए दिल में हमदर्दी पैदा की जाए। बचाया इसलिए है कि औरत की फरियाद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह लिबास मुझे पहनना पड़ता है इसलिए कि मैं होटल में डांस करती हूं। ओ, जब तुम्हें होटल तक आने में कोई इतराज नहीं तो उनके साथ जाने में क्या इतराज है? मैं इज्जत नहीं बेचती। अरे औरत, जब गंदी नजरों के सामने नाचने खड़ी हो जाती है तो उसके पास इज्जत रहती कहां है? तुम ठीक कहते हो, लेकिन मुझे नाचना पड़ता है इसलिए कि ये मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मेरे साथ चलो, सिखाती हूं। कौन? कौन है? मैं हूं अम्मी। इतनी देर कहां लगाती थी बेटी? मां का दिल डूब डूब जाता था। कहां गई थी बेटी? ये तेरे साथ कौन है बेटी? एक मोहसिन, मां कुछ गुंडे तेरी इज्जत को मैला करना चाहते थे, इन्होंने बचा लिया। खुदा तुम्हारी मां का कलेजा ठंडा करे बेटा, तुमने मुझे अंधी की लाज रख ली। आंखें तो खुदा का अतिया होती हैं, बजाहिर तो सब कुछ देखती हैं, मगर किसी के अंदर का दुख नहीं देख सकती बेटा। मां की आंखों की रोशनी के लिए मुझे होटल में अपने जिस्म की नुमाइश करना पड़ी, लेकिन कल से मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैंने जो कुछ कहा मुझे माफ करना। इस पे दवा लगा लेना, अल्लाह ना करे छोटी सी खराश भी घाव बन जाता है। आराम खोरो, वो एक और तुम चार, फिर भी तुम पर भारी हो गया। लौंडिया उसके साथ चली गई, धत्कार हो तुम पर। अपनी मनहूस शक्ल लेकर निकल जाओ, मैं कहता हूं चले जाओ, दबा जाओ। बाबू जी, खुदा आपका भला करे, मेरा बच्चा बीमार है, मुझे अस्पताल तक पहुंचा दीजिए। ये गाड़ी है, एम्बुलेंस नहीं। सेब खाओ के? नहीं, खाती नहीं। या नहीं, कहीं चले? कहां चले? जहां कोई ना हो। वेरी नाइस। ए, यहां ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ चक्कू। पर्स मेरे हवाले कर तू। पर्स तो पहले गरमाती हो फिर पर्स चूमती हो। मेरा यही स्टाइल है, हरी अप, वरना सर कट कर हथेली पर आ जाए। मेरा गला मत काटो, बस ले लो, ले लो।
लो भाई आज बस। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं, तेरे नसीब से नहीं। जा तुझे मोर पड़े। सेब खाओगे? नहीं, मेरे घर में बहुत हैं। जुआ जीत कर आए हो? माल लगा के जीता है, कोई तुम्हें दाव पर लगा नहीं। ये पैसे किसे दोगे? एक हिस्सा बीवी को, दो हिस्से माशूक को। माशूक का हिस्सा इधर लाओ। माशूक का हिस्सा? मैं बाजारी माशूक पर दौलत नहीं लुटाता। माशूक का हिस्सा इधर लाओ। वरना अंतरियां बाहर आ जाएंगी। नहीं नहीं, तुम बीवी का हिस्सा भी ले लो। मुझे बीवी का हिस्सा नहीं, माशूक का हिस्सा चाहिए। जल्दी करो, हरी अप। लुटेरी है, रॉबिन हुड की बेटी लगती है। अरे मेरे साथ कौन टकरा है? मैं टकराई तेरे से। मेरे से तू टकराई? तू मुझसे टकराई या मैं तुझसे टकराया? हम दोनों टकराए। भाई हम क्यों टकराए? ताकि जो तेरी जेब में है निकाल कर इस हाथ पर रख दे। अरे चकू हटा, मेरे को हंसी आती है, मेरे को हंसी आती है। पैसे निकाल वरना रोना आ जाएगा। मेरे को रोलाना नहीं, मैं पैसा देता हूँ। पैसे का नुकसान कर, मेरा खून न कर, मैं मना। मैंने आप लोगों की शिकायत नोट कर ली है। आपने जो उसका हुलिया बताया है वो भी जहन नशीन कर लिया है। बहुत जल्द उसे पकड़कर सलाखों के पीछे बंद कर दूंगा। ये क्या? तुम्हें रोकना चाहती थी। पुकार नहीं सकती थी? नाम नहीं जानती थी? नाम? मेरा नाम सज्जाद है। माँ मुझे नसरीन कहती है। बोलो। तुमने मुझे गंदी लड़की समझकर ताने दिए थे और मेरी माँ से मिलकर कहा था मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। ये तो वही है। शिकार मालदार भी है और स्मार्ट भी। ए, उठो। नशे की डोज ज्यादा ले ली है? चलोगी? चलो। ए, गाड़ी का दरवाजा इस तरफ है। मैं कैसी लगती हूँ? तुम? नगीना। अपनी अंगूठी में फिट कर लो ना। गाड़ी में बैठो, अभी करता हूं तुम्हें फिट। सेब खाओगे? हाँ खाऊंगा, क्यों नहीं।
चलो बैठो। मैं हूँ कांच की गुड़िया, मुझे हाथ लगाना ठीक नहीं। मैं हूँ कांच की गुड़िया, मुझे हाथ लगाना ठीक नहीं। मैं कहीं लौट न जाऊं, मैं कहीं लौट न जाऊं, मैं कहीं लौट न जाऊं, मैं कहीं लौट न जाऊं। ओ मैं हूँ कांच की गुड़िया, गुड़िया। लेती हो? जल्दी करो, पर्स खोल के ले लो, जितना तुम्हें चाहिए। अरे पूरा पर्स ही दे दिया, बाप ताजा ताजा मरा लगता है। पुलिस मार गई। मामा नशे और खुराक के सहारे तो जिंदा है, दिन भर तेरा इंतजार किया, कमाई लाकर मेरे हाथ पे रखेगी, नशा करूंगा
अच्छा खाना खाऊंगा, चैन की नींद सो जाऊंगा, और तू कहती है कुछ नहीं मिला। मैं सच कहती हूँ मामा। मैं नहीं मानता। बता, यार को देखी है याद की कमाई? काश मेरा भी कोई हमदर्द होता तो मैं ये जलील धंधा कभी ना करती। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, कोई नहीं। खत्म करके बकवास। ला पैसे दे, दे पैसे जल्दी कर। हेलो, तुम कितने जलील मामा, ये तुम्हारी इज्जत है, आंखों में छुपा के रखने की चीज। तुम इसका चेहरा देखो, मर्द की बुरी नजर से मैला हो। तुम इससे राजधानी करा के इसके पैसे से हरामखोरी करते हो। जहां तक मुझे याद है, मैं इसका एक ही मामा हूं। तुम इसके मामा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? कौन है तुम? तुम्हारा बाप इंस्पेक्टर हैदर है? खान जी का लाया हुआ मुरपुड़ा बहुत उड़ाया, अब चल के जेल की रोटी खाओ। चलो। तुम इसका चेहरा देखो, मर्द की बुरी नजर से मैला हो जाए। तुम इससे राजधानी करा के इसके पैसे से हरामखोरी करते हो। मैं ये धंधा कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। चाहिए था वो आपने किया, मेरे साथ चलिए, मैं आपको कानून से नाम दिलाऊंगा। कानून और इनाम। क्या तुम्हारे कानून का बस यही काम रह गया है कि उसका काम लोग करें और वो उनमें इनाम की मीठी गोलियां बांटता रहे? कानून, किस कानून की बात करते हो तुम, जिसके होते हुए लोग अपने घरों में खौफजदा बैठे रहे, जिसके होते हुए जवान लड़कियां सड़कों पर चलती हुई अगवा कर ली जाए, उस कानून की बात करते हो तुम? तो दूर खड़ा इस दौर में जीने और मरने वालों की बेबसी का तमाशा देखता हो, उस कानून की बात करते हो तुम? मैं नहीं मानता ऐसे कानून को, नहीं मानता मैं, और ना ही मुझे उसका दिया हुआ कोई इनाम चाहिए। सुना तुमने? सुनिए, कानून के हाथों बहुत सताए हुए लगते हो असलम चाचा। असलम चाचा, कौन हो तुम? मैं आपके दोस्त रहमत अली का बड़ा बेटा हैदर हूं। रहमत अली के बेटे हैदर हो? अरे अरे रहमत,
बदनसीब हूं। ना अब तक बिछड़ी हुई मां मिली, ना बाप के कातिलों को तलाश कर सका, मगर आपने ये क्या हालत बना रखी है असलम चाचा? आपके साथ मेरी चाची का हरदम मुस्कुराता चेहरा होता था। हाँ, और एक प्यारी सी बेटी भी थी। हाँ चाचा, वो आप जवान होगी ना? वो जवान नहीं हो सकी। क्यों चाचा, क्या हुआ? क्या करोगे सुनकर? हमारे दुख तो आपने जान लिए, अपने दुखों में हमें शरीक नहीं करेंगे। कुछ तो बोलो चाचा, खुदा के लिए कुछ तो बोलो चाचा। सुनना चाहते हो तो सुनो। वक्त बड़ा मरहम है, बड़े बड़े घाव भर देता है। मैं भी अपनी बीवी और बच्ची के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। लो जाओ अपनी सहेली के साथ। थैंक यू आंटी। वापिस कब आओगी बेटी? शाम को मम्मी। शाम को मैं अपनी गाड़ी में छोड़ जाऊंगी। अच्छा, गुड बाय मम्मी। चलो पब्ली, बाय बाय। बबली चली गई? जी चली गई। वाह, उसे तो अपनी सहेली से इतना प्यार हो गया कि छुट्टी का दिन भी उसके बगैर नहीं गुजार। ये अच्छी बात है। जनाब, अब उठिए और चाय पीजिए। अभी चाय भी पी लेते हैं, अभी पीते हैं। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। क्यों नहीं? मेरा मतलब है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं जानती हूँ। तो फिर देर किस बात की है? आज बाहर चलेंगे। नहीं, घर पर। नहीं जी, बाहर। घर पर। बाहर। घर पर। बाहर। घर पर। नहीं, बाहर। सुनने का मौसम है, ये कुछ कहने पर सुनने का मौसम है। अजय कुछ हमसे कह दो तुम, चलो कुछ तुमसे कह दे हम, ये कुछ कहने पर सुनने का मौसम है, ये कुछ कहने पर सुनने का मौसम है। अजय कुछ हमसे कह दो तुम।
मस्त गीत बने इन्हीं गीतों के गजरे बुनने का मौसम है। इन्हीं गीतों के गजरे बुनने का मौसम है। अजय कुछ हमसे कह दो तुम, चलो कुछ तुमसे कह दे हम, कि ये कुछ कहने पर सुनने का मौसम है। कि ये कुछ कहने पर सुनने का मौसम है। अजय कुछ हमसे कह दो तुम। जिंदगी में बीवी की वफा शामिल हो और सुबह उठते कानों में बेटी की हंसी की मिठास खुले तो आदमी भूल जाता है कि जिंदगी पानी के बुलबुले की तरह बेसबात और तालाब में तैरती हुई कागज की नाव की तरह बेहकीकत होती है। बेख्वाब और परमिट है? कैसा परमिट? इन चाय की पेटियों का। ये पेटियां चौधरी अख्तर की हैं। कौन अख्तर चौधरी? नाची इसको कहते हैं। आप शायद नए आए हैं वरना मेरा ट्रक ना रोकते। बगैर परमिट के ट्रक कहीं नहीं जाएगा। अजी बड़े बड़े अफसर मेरे साथ खाते पीते हैं। ट्रक नहीं जाएगा तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो फिर आप उन्हीं बड़े अफसरों से बात करके आइए जब तक ये ट्रक यहीं खड़ा रहेगा। मामा बड़े बड़े तोर्दम खान मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। तेरी बने किसने बिगाड़ी है भांजे? एक नया एक्साइज इंस्पेक्टर आया है, मेरा ट्रक पकड़ कर ले गया है। तेरा ट्रक? ये कैसे हो सकता है? ची 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 ची। उसे ऐसा सबक सिखाना चाहता हूं जिसे वो जिंदगी भर न भुला सके। ना 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 ना, और कत्ल वत्ल मत कर देना, क्योंकि एक कत्ल तुम पहले भी कर चुके हो, वो नादिर का कत्ल। और मामूली बात पर अपने ड्राइवर शेर खां को जलील करके निकाल के हो। नए कत्ल की तफ्तीश शुरू हुई तो अखबारों में पढ़ के वो पठान तुम्हारे पहले कत्ल का कहीं बोल ना खोल दे, फिर तुम दोहरे कत्ल के जुर्म में फांसी चढ़ जाओगे। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मेरा क्या होगा भांजे? मामा बोल भांजे। मेरा एक दोस्त कहा करता था कि 10,000 हरामजादे इकट्ठे हों तो एक अख्तर चौधरी बनता है। अभी वो रस्सी नहीं बटी जो मेरे गले का फंदा बन सके, लेकिन शेर खान का नाम लेकर तुमने मुझे एक नई राह दिखाई है। अब देखते जाओ मैं करता क्या हूं। आप तो डर गए। नहीं नहीं, मैं आपको कुचलना तो नहीं चाहता था, आपसे कुछ कहना था, सोचा यही कह लेता हूं। कहो क्या कहना चाहते हो? आपने हुक्म दिया था ना कि अफसरों से मिलाओ, तो मिलाया। क्या कहा उन्होंने? कहा है कि आपका मुंह बंद कर दूं, 10,000 रुपए आपके घर पहुंचा दूं। आपके रैंक के अफसर की यही कीमत है। तुमने मेरी कीमत लगाई है? आप नहीं लेंगे तो मैं चुपके से आपकी बीवी को दे दूंगा। तेरे गंदे दिमाग में मेरी बीवी का ख्याल आया कैसे? अजी सब अफसरों की बीवियां मेरे ही हाथों से लेती हैं। हरामखोर, अगर तेरी जबान पर मेरी बीवी का जिक्र भी आया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। अरे लोगो, सुना तुमने? इंस्पेक्टर साहब ने मुझे जान से मार देने की धमकी दी है। मैं मर जाऊंगा मगर रिश्वत नहीं दूंगा, रिश्वत भी नहीं दूंगा। शेर खान गवाही के लिए चलो। वाह शेर खान, खुदा के सिवा किसी से नहीं डरती है। हम जानती है कातिल कौन है, मकतूल कौन है, कहीं भी ले चलो, हम छाती तान के गवाही देगा। ले चलो इसे।
वह क्या करते है, छोड़ा नहीं भागती है, नहीं भागती है, कैसे भागेगा? आओ शेर खान, मेरे खिलाफ गवाही देने आए हो? हाँ, अल्लाह के फजलो करम से। जिन्हें कानून समझते हो, जानते हो ये है कौन? ओ खबीस, तुम हमको धोखे से इधर लाया, हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। को मानने वाला है, तेरे भेजे हुए खंजीरों पर भरोसा करके हम यहां आया, मगर एक दिन तो कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते। से मेरे कपड़े पहना दो मामा, इसका चेहरा मैंने इस हद तक बिगाड़ दिया है कि अब यह लाश अपने चेहरे से नहीं मेरे कपड़ों से पहचानी जाएगी। मामा, मैं कुछ अरसे के लिए रूपोश हो जाता हूं, तुम लोगों में यह मशहूर कर दो कि इंस्पेक्टर असलम खान ने मुझे कत्ल कर दिया है, और तुम इस कत्ल की रिपोर्ट थाने में लिखवा दो। मेरे प्यारे भांजे, मैंने भी बड़े बड़े गुर्गे देखे हैं, मगर तेरा तो जवाब नहीं। तेरे यार की तेरे बारे में 10,000 वाली बात 100% सही निकली। बिना, ओ बिना, बिना, ओ जाने जा, यहां हो? अरे क्या कर रही हो? आ गए। हाँ आ गया, मैं जब भी आता हूं तुम कहती हो आ गए। मैं आ गया हूं तभी तो नजर आ रहा हूं। घर से जाते हो तो यूं लगता है जिस्म से जान चली गई, वापस आते हो तो यूं लगता है जान में जान आ गई। क्या देख रहे हो? यही कि इन आंखों में हमारे लिए कितना प्यार है। हमें तुमसे प्यार कितना है ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। इसी बात पर जी चाहता है कि तुम्हें एक बार फिर दुल्हन बनाकर एक बार फिर शादी कर लूं। अरे वाह, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे मैं वाकई दोबारा शादी करने लगा हूं। क्या हुआ बेटी? अरे 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 अरे, किसी ने कुछ कहा है मेरी बेटी को? पापा, वो मेरी सहेली है ना। हाँ? क्या हुआ उसे? वो मुझे छोड़ के जा रही है। कहाँ जा रही है? दूसरे शहर, उसके पापा की बदली हो गई है। अरे पापा की जान, जिंदगी में तो लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन उनके लिए रोया नहीं करते बेटी। पापा, हमें बहुत रोना आ रहा है। अरे 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 अरे, ना 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 बेटा, ना ना, कुदरत आंखों को आंसू इसलिए नहीं देती बेटी कि मोती जरा जरा सी बात पर लुटा दिए जाए। मेरी आंखों की रोशनी, इन्हें संभाल के रख। जब बड़ी होगी, मम्मी तुझे दुल्हन बनाएगी, ससुराल जाते हुए जब पप्पा के कंधों पर सर रखेगी, और जब तेरी आंखों में अगर आंसू नहीं होंगे तो लोग क्या कहेंगे? चल चुप हो जा, चुप हो जा। पप्पा मैं क्या करूं, मेरा दिल टूटा है। आज और हमेशा के लिए पप्पा की एक नसीहत सुन ले बेटी। रख दे जमाना चाहे दिल तोड़ कर, रख दे जमाना चाहे दिल तोड़ कर, रोना नहीं जिंदगी के किसी मोड़ पर, रोना नहीं जिंदगी के किसी मोड़ पर। रख दे जमाना चाहे दिल तोड़ कर, रोना
नहीं जिंदगी के किसी मोड़ पर, रोना नहीं जिंदगी के किसी मोड़ पर, लाला लाला मनाने के लिए है जिंदगी, हंसने हंसाने के लिए है जिंदगी, खुशियां मनाने के लिए है जिंदगी, हंसने हंसाने के लिए है जिंदगी, जीते रहना खुशियों से नाता जोड़ कर, जीते रहना खुशियों से नाता जोड़ कर, रोना नहीं जिंदगी के किसी मोड़ पर, रोना नहीं जिंदगी के किसी मोड़ पर। कभी छूटते नहीं रिश्ते तो मर के भी टूटते नहीं, मिले हुए हाथ कभी छूटते नहीं, रिश्ते तो मर के भी टूटते नहीं, चाहे कोई चला जाए मुख मोड़ कर, चाहे कोई चला जाए मुख मोड़ कर, रोना नहीं जिंदगी के किसी मोड़ पर, रोना नहीं जिंदगी के किसी मोड़ पर। जी इंस्पेक्टर साहब, यह है वारंट। वारंट? हाँ वारंट, आपको अख्तर चौधरी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। जी? नहीं, ये झूठ है, मेरे पापा बेगुनाह हैं। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, ये किसी की जान नहीं ले सकते। आपको जो कहना है वो कोर्ट में कहिए। मेरे पापा को मत ले जाओ। संभालिए इस बच्ची को। दीना, बब्बी को संभालना और हिम्मत से काम लेना, सब ठीक हो जाएगा। चलिए। अदालत तस्लीम करती है मकतूल मिस्टर चौधरी एक बुरा आदमी था, वो स्मगलर था, वो कस्टम के कानून को पामाल करके सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाता था। अदालत के रिकॉर्ड पर आने वाले वाकयात के मुताबिक मुलजिम ने मकतूल का माल पकड़ा। मुलजिम के अख्तियारात की हद सिर्फ इतनी थी कि वो मकतूल को कानून के हवाले कर दे। उसे यह हक नहीं पहुंचता था कि पहले वो मकतूल को सरेआम कत्ल की धमकी दे और फिर उसे कत्ल कर दे। नहीं, मेरे पापा कहते नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑर्डर। लिहाजा अदालत मुलजिम असलम खान को अपनी हदूद से तजावज करने, अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने और कानून को हाथ में लेकर मुलजिम की तकदीर का खुद फैसला करने के जुर्म में 14 साल कैद व मुशक्कत की सजा देती है। नहीं नहीं, मेरे पापा जेल नहीं जाएंगे, मेरे पापा जेल नहीं जाएंगे। बबली का ख्याल रखना। जज का फैसला सुनने के बाद मेरे दिल से कानून का एतबार उठ गया। मुझे उस खून के जुर्म में जेल जाना पड़ा जो मैंने नहीं किया था, और मेरे नाकर्ता गुनाह की सजा उन्हें भुगतनी पड़ी जिनका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं था। एक दिन मेरी बीवी मेरी बच्ची को लेकर मुझसे मिलने आई।
रो मत बीना, रो मत। रोना तो क्या करूं, आप ही बताइए ना। पब्लिक को हालात का मुकाबला करना और हिम्मत से काम लेना सिखाओ। बेटी, जब तक मैं यहां हूं अम्मी को कभी परेशान नहीं करना, कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करना। बेटे, अच्छे बच्चे कभी जिद नहीं करते। पापा, मैं अम्मी को परेशान नहीं करती। अब तो मैंने चॉकलेट खानी भी छोड़ दी है। मम्मी के पास पैसे नहीं होते ना, जब आप बाहर आएंगे तब मैं चॉकलेट खाऊंगी। मम्मी को मना किया और खुद रो पड़े। पापा, पापा, ये आंसू संभाल के रखे, जब मैं दुल्हन बनूंगी तब आपकी आंखों में आंसू ना हुए तो लोग क्या कहेंगे। खुशियां मनाने के लिए है जिंदगी, हंसने हंसाने के लिए है जिंदगी। खुशियां मनाने के लिए है जिंदगी, हंसने हंसाने के लिए है जिंदगी। जीते रहना खुशियों से नाता जोड़ कर, रख दे के पीछे जिंदगी जिंदगी नहीं रहती, हालात का मातम बन जाती है। जेल के माहौल में अखलाकी मुजरिमों के जहन की गंदगी और मुझ जैसे कैदी के वजूद से लिपटी हुई रुसवाई की जलन न उसे जीने देती है और न मरने। मरने और जीने की इसी कश्मकश में एक दिन मुझे जेल में मेरी बीवी का खत मिला। मेरे प्यारे सरताज, मेरे साथी, सदा सलामत रहो। आपके बगैर मेरी तरफ जो निगाह उठती, मैली, कान में जो आवाज पड़ती, गंदी। कल रात कुछ लोग घर में घुस आए, वो चार थे, मैं अकेली, बहुत लड़ी, बहुत चीखी, लेकिन एक कमजोर औरत कहां तक मुकाबला करती। मेरी आंखें टूट गई।
कभी छूटते नहीं, रिश्ते तो मर के भी टूटते नहीं, मिले हुए हाथ कभी छूटते नहीं, रिश्ते तो मर के भी टूटते नहीं, चाहे कोई चला जाए मुख मोड़ कर, चाहे कोई चला जाए मुख मोड़ कर, रोना नहीं जिंदगी किसी मोड़ पर, रोना नहीं जिंदगी के किसी मोड़ पर, रोना नहीं जिंदगी के किसी मोड़ पर। जिस्म का रुआ रुआ छेद डाला है, लेकिन मैं भी उस वक्त तक नहीं मरूंगा जब तक मैं तुझसे बदला नहीं ले लेता। मैं भी उस वक्त तक नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा मैं। आगे हालात सुना मामा। भांजी हर चीज दफन हो चुकी है, लोग तेरा माजी बिल्कुल भूल चुके हैं। तेरी याद में बहुत परेशान हो गया था, अब तू आ गया है, अब फिक्र की कोई बात नहीं। अच्छा भांजी ये बता, इतने अरसे में क्या खोया क्या पाया? बहुत कमाया मामा। अच्छा तो फिर ये बता माल कहाँ है? माल बहुत, मैं इंटरनेशनल स्मगलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह कहलाया हूं। जीते रहो हजार वर्ष। मुझ पर दुनिया की कोई पुलिस ना तो हाथ डाल सकी और ना ही कोई स्मगलर मुझे नीचा दिखा सका। शाबाश, अब मुझे यकीन हो गया तेरे यार की तेरे बारे में वो 10,000 वाली बात बिल्कुल सही थी। अब बोल मामा, यहां क्या करूं? भांजे यहां पर बिजनेस तुम्हारे कद से बहुत छोटा है, तुम ऐसा करो मैदान सियासत में आ जाओ और लीडर बन जाओ। जब तुम लीडर बन जाओगे तो वजीर बनने के चांस बहुत हैं, और जब तुम वजीर बन जाओगे तो वजारत का कलमदान तुम्हारे हाथ में होगा और हुक्म मेरा चलेगा, दस्तखत तुम्हारे होंगे और परमिट भी मेरे हुक्म से जारी होगा। क्या बात है मामा, क्या रास्ता निकाला है। आखिर तुम मामा किसके हो? उसका, जिसके यार की 10,000 वाली बात 200% ठीक निकली, यानी बिल्कुल करेक्ट। नक्शा, इस शहर के सारे लफंगे मेरी जान को आते हैं। चाकू पास होता था तो रोटी तो बड़ी इज्जत से मिल जाती थी। उसी रास्ते पर वापस जाना चाहती हो? सामने फिर तुम आ जाओगे। सच्चाई के रास्ते पर परेशानी तो जरूर है,
लेकिन इसे घबरा कर इस रास्ते को छोड़ देना नहीं चाहिए। अकेली हूं और तन्हाई से डर लगता है। तो फिर कोई सहारा क्यों नहीं ढूंढ लेते? सहारा? खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी सहारा दे देगा। फिर मुझे घर ले चलो। घर? तुमने मामा से कहा था ना, इसका चेहरा देखो, देखने वालों की बुरी नजर से मैला हो सकता है। ये बात मेरे लिए पहले किसी ने नहीं कही। मैं तभी से तुम्हारे सपने देखने लगी हूं। सपने किसी के देखूं, सहारा किसी का लूं, अच्छा लगेगा। तुम्हें घर ले जाऊं? लोग कहेंगे तो क्या जवाब दूंगा? तू कौन है? कह देना देवी है। देवी? तुमने हालात का दिया हुआ मेरा बुरा रूप देखा है। हैदर, एक बार मुझे अपने घर ले चलो, मैं उसे जन्नत बना दूंगी। कीचड़ में गिरी हुई एक लड़की को इसलिए नहीं उठाना चाहते कि तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। कहते हैं जोड़े आसमानों पे बनते हैं, जिसका जिससे जोड़ा बनना मुकद्दर ने लिख दिया वो उसे जरूर मिल जाएगा। ए, फिर किसी मुसीबत में फंस गई? मुसीबत तो कट गई, एक बच्चे को पढ़ाने की नौकरी मिल गई है। घर जा रही थी, अचानक तुम मिल गए। आज मैं बहुत खुश हूं। चलो कहां? कहीं भी, इस खुशी को दुबाला करने।
किससे मिलके आ रही हो मेरी कट्टो? तुम्हारे बाप से। उसे मरे हुए तो 20 साल हो गए, आज मुझसे मिलो। बको मत। अरे नखरे क्या दिखाती हो, वो तो नाचने वाली। ये इस बात का ऐलान है कि मैं एक औरत हूँ। राफा, उस दिन तू मेरे भेजे हुए आदमियों से बच गई थी, आज मुझसे नहीं बच सकेगी। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन? पुलिस, दरवाजा खोलो। क्या बात है साहब? हमें इत्तला मिली है कि तुम्हारी बेटी पेशा करती है। नहीं, ये झूठ है इंस्पेक्टर, ये झूठ है। मैं माँ की कसम खाकर कहती हूँ इंस्पेक्टर, यहाँ कोई गुनाह नहीं होता। जब भी आते हैं हमारी आंखों में बेबसी के आंसू आते हैं। मेरी इज्जत से खेलने कोई मर्द नहीं आता। कौन है तू? और अंदर क्या कर रहा था? अंदर मैं अंडे बराई कर रहा था। कसम है मुझे सुंदर जमाने की, मैं खुद नहीं आया, इसने मुझे खुद बुलाया था। नहीं, ये बकता है, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसी नहीं है, नहीं है ऐसी, नहीं, ये पता है। अबे उठ, बंद करो ये नाटक, इन दोनों को थाने ले चलो। तुम भी चलो, चलो। क्यों धक्के देते इस बिचारी को, क्या जुर्म किया है इसने? हम इसे इस मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। यहाँ पुलिस आई थी, अंदर से एक मर्द निकला था। इसकी बेटी धंधा करती है। यकीन करो बेटा, पुलिस का यहाँ आना, आदमी का यहां से निकलना, मेरी बेटी का थाने जाना, ये सब सच है। लेकिन ये भी सच है कि मेरी बेटी इज्जत नहीं बेचती, इज्जत नहीं बेचती, ये इल्जाम है झूठे झूठे। अगर तेरी बेटी बेगुनाह है तो मैं इसके लिए सारी दुनिया से लड़ूंगा। सुनो शराफत के ठेकेदारों, अगर मेरे आने तक इसे किसी ने कुछ कहा तो मैं उसका घर जलाकर राख कर दूंगा। जाओ। बयान लिखवाओ। तुम अंदर किसके जरिए पहुंचे? मेरा मतलब इंस्पेक्टर साहब, मैं तेल लेने के लिए घर से निकला, ये घर के सामने खड़ी थी, इसने मुझे बुलाया और आंख टिकाई, उन्हीं में मर गया। इंस्पेक्टर साहब, इशारा इसने कहा अंदर चलो, इसने कहा बैठ जाओ, मैं बैठ गया। ओए उठो, ये क्या हुआ? फिर इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे करीब आई, मुस्कुराई, गले में बाहें डाली, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी। मैंने कहा मां, ऊपर से हाँ आ गया, नीचे से मैं निकल गया, मेरी इज्जत बिल्कुल साफ बच गई। इंस्पेक्टर साहब, ये बकता है। शराब है औरत, मेहनत मजदूरी करके भी पेट भर सकती थी, जिस्म बेचना जरूरी था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं जिस्म नहीं बेचती। सबूत के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई हो और कहती हो जिस्म नहीं बेचती। तुम औरत के नाम पर एक गाली और एक घटिया तर्क हो। मैं गवाही देता हूं ये एक शरीफ लड़की है। क्या सबूत है तेरे पास? मेरा दिल। तेरा दिल? तेरा दिल जिसे शरीफ कहता है, मैंने छापा मारा तो उसके घर से यह मर्द निकला जैसे सावारा लड़की ने इशारा करके गुनाह की दावत दी। खा अपनी मां की कसम, वरना मैं तेरा गला दबा दूंगा। छोड़ दो इसे सज्जाद। या, एक गरीब लड़की की इज्जत का सवाल है। माशरे की नजर में ये एक रंडी है। मैं इसे रंडी कहने वाले माशरे को नहीं मानता।
निकल जाओ, get out। तुम जा सकते हो। साईं, इंस्पेक्टर साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी, आप कभी तेल लेने नहीं जाऊंगा। तुम्हारा है कोई जमानत देने वाला? जो जमानत देने आया था उसे तो आपने थप्पड़ मारकर निकाल दिया। जान बची लाखों पाए, थाने से बुद्धू बाहर आए। अब बोल, वो लड़की धंधा करती है? अरे गला छोड़ेगा तो बोलेगा बाबा, या कहीं और से बोलेगा? वो लड़की बिल्कुल शरीफ है, कोई धंधा बंदा नहीं करती। बता इस कानून के मुहाफिज को, जो बेगुनाहों को पकड़ता है और गुनाहगारों को छोड़ देता है। ये सब नाटक था। ये लड़की बहुत शरीफ है और मुझे इस काम के लिए ही पैसे दिए गए थे। कानून से भाग के कहां जाएगा? बदान साफ है, अब कहीं नहीं आएगा। हद से ज्यादा कमबख्त ब्रेक मारती है। शुक्र है। बहन साहेब, अब आप क्या चाहते हैं? बहन जी की तो मैं बाइज्जत सफाई पेश कर चुका हूँ। तुझे अपनी बहन के घर किसने भेजा था साले? मुझे न मारो, बेटा मारो, मैं बताता हूँ। मुझे शेठ अनवर ने भेजा था। राजीव होटल का मालिक? हाँ वही वही, मोशे दयान की तरह, जिसकी एक बत्ती गुल है। जिसकी एक बत्ती गुल है यानी कि एक बाजार बंद है। उस शराफा को फंसाया तो इस तरह था कि जिंदगी भर के लिए उस पर रंडी का लेबल लग जाता, लेकिन बच गई साली। क्या थानेदार उसका यार निकला? थानेदार नहीं यार, वो छोकरा जिसने उसे मेरे गुंडों से बचाया था। उस छोकरे का तारीख जोग्राफिया मालूम किया? मैं अभी तक नहीं जान सका कि वो है कौन। वो मैं हूं। तुम अनवर? ए अनवर, सुना था औरत के इश्क में अहमक जान पर खेल जाते हैं। सर पर उस नाचने वाली का भूत सवार करके तुम मौत के मुंह में चले आए। यहां तक मुझे इश्क का भूत नहीं, खून की लकीर लाई है। किसका खून? मेरे बाप का। कौन बाप? 20 साल पहले जो तुम्हारे खिलाफ एक कत्ल के मुकदमे में गवाही देना चाहता था, और तुम एक वार्डन का जमीर खरीद कर जेल से फरार हुए, उसका खून किया और जेल की सलाखों के पीछे फिर जा चुके, और तुम्हें मैं और मेरा भाई पहचान कर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो तुम रहमत अली के बेटे हो? हाँ, सबूत मेरी गोली और तस्दीक तुम्हारा बहता हुआ खून करेगा। नहीं 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 नहीं, मेरा हाथ देख लो जिसमें तुम्हारे कत्ल की लकीर है। नहीं नहीं नहीं, नजू में बुलाकर पूछ लो, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिर नहीं 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 नहीं। सजाद, मुबारक हो। मां का पता चल गया? नहीं, अनवर सेठ मर गया। जब जिसका वक्त आता है वो मर जाता है। वो हमारे बाप का कातिल था। तुम्हें तो उसकी मौत पे खुश होना चाहिए। उसे दिन पूरे नहीं हुए, उसका खून किया गया है, और वो खूनी
तुम हो। कौन कहता है? मैं कहता हूं। मैंने खून किया ही नहीं। तुम्हारे पास सबूत है तो लगाओ मुझे हथकड़ी, साबित कर दो मैं खूनी हूं। मैं फांसी का फंदा चूम के से क्या खुशखबरी लाए? वो अनवर खुदकुशी कर गए। अकबर सेठ, मुंह बुरा हो तो बात अच्छी करनी चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूं सेठ। अनवर की खुदकुशी मेरी नजर में डांसर का इश्क है। नहीं अकबर सेठ, मुझे इस खुदकुशी के पीछे रहमत अली के बेटे का हाथ लगता है। रहमत अली? हाँ रहमत अली। हाँ जी, मेरे सामने कत्ल किया गया। कत्ल किया? किसने? उसने कहा था कि 20 बरस पहले आप लोगों ने उसके बाप को कत्ल किया था, अब वो आप लोगों को चुन चुन कर मारेगा। मजदूरी करके दो बेटों को पाला पढ़ाया, वो बाहर जाकर बीवियों के हुस्न में ऐसे खोए कि बूढ़ी मां को भूल गए और ये पागल हो गई। अगर आप इसे किसी पागल खाने में दाखिल करा दें तो इस पर बड़ा एहसान होगा। मां, तुमने मुझे मां कहा? हाँ मां। तो मेरा बेटा है ना? हाँ मेरा बेटा। हाँ। आओ मेरे साथ। आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ, आ आओ माँ, आओ शाबाश, आओ, आ माँ। इन्हें दाखिल कर लिया है, कोशिश करेंगे ये अच्छी हो जाए। शुक्रिया। वार्डन, इन्हें अंदर ले जाओ। नहीं नहीं, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, मैं अपने बेटे के साथ जाऊंगी। मुझे किसके हवाले कर रहा है? मुझे छोड़कर मत जा, मत जा। हाँ माँ, हाँ। डॉक्टर साहब, माँ बहुत दिनों के बाद मिली है, इसलिए इसे मेरी जुदाई गवारा नहीं, मैं इसे खुद साथ कर लेकर चलता हूँ। ठीक है, चलो माँ। चलो आओ मेरे साथ। तुम अंदर चलकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। मेरे पोतों को जरूर लाना, वो मुझे बहुत याद आती है। हाँ हाँ, मैं जरूर लेकर आऊंगा। तुम अंदर तो चलकर बैठो ना। ठीक है, चलो अंदर। सुनिए, सलाम साहब। आपने बहुत देर कर दी, रिपोर्ट लिखवानी थी, और कोई तो यहां सुनता ही नहीं, आप तो लिख दें। जालिमों ने मेरे सुहाग को कत्ल कर दिया, मेरी बेटी की इज्जत लूट ली, आपने उसे देखा ही नहीं, वो बहुत प्यारी बहुत लाडली थी, उसके साथ जो जुल्म हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन लेकिन किसी ने उस पर तरस नहीं खाया, मेरे मेरे छोटे छोटे बच्चों को बांध दिया। मैं घर से रिपोर्ट लिखवाने निकली हूँ, जल्दी से लिखिए, अभी तो मैंने घर जाकर बच्चों को खाना खिलाना है। मैं
मेरा बर्बाद हुआ है, तुम क्यों रोते हो? तुम नहीं समझोगी, नहीं समझोगी, नहीं समझोगी। इंस्पेक्टर डॉक्टर साहब आओ। वर्दी पहनकर मैंने किसी की आंखों में आंसू पहली बार देखे। 20 साल से रोके हुए आंसू आज बह निकले हैं। मैं नहीं जानता था किसी को छोड़ने आऊंगा तो मेरी अपनी मां मुझे मिल जाएगी। डॉक्टर इसे छुट्टी दे दो, मां को मैं अपने साथ घर लेकर जाऊंगा। डॉक्टर तुम इन्हें बखुशी ले जा सकते हो। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। सजाद, सजाद देख तो कौन आया है। ये नाम तुमने किसका लिया है? अपने सजाद का। सजाद, ये नाम मैंने कहां सुना था? समझी नहीं। पहले ये रोया, अब तू रोता है। क्या तेरी मां नहीं है? मेरे बच्चे भी खो गए हैं। भैया आ सोचा ये अपना सुहाग औलाद मासी की यादें सब कुछ खो चुकी है। भैया ना रे ना, इन्हें पहुंच लो। ये आंसू माओ की आंखों में अच्छे लगते हैं, बेटों की आंखों में नहीं। इंस्पेक्टर साहब मेरी रिपोर्ट को छोड़ो, पहले इसकी मां को ढूंढो। देखो तो कैसे उस पगली के लिए रो रो कर हरकान हो रहा है। फिक्र ना करो, ढूंढूंगा, इसकी मां को भी ढूंढूंगा। तो फिर मैं जाऊं? तुम तो इसकी मां को ढूंढने जा रहे हो, मेरा क्या है? मैं रिपोर्ट लिखवाने फिर आ जाऊंगी। नहीं, तू अब यही रहेगी, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। नहीं नहीं, मुझे घर जाना है, वहां मेरे बच्चे अकेले हैं, वो भूखे होंगे। रोटी बना के हमें खिला देना, तेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। हाय, आज तक का रास्ता कैसे भूल गए? जो आज मिली है उस खुशी में तुम्हें भी शरीक करना चाहता। तरक्की मिली है क्या? जो नसीब हुई है उस खुशी पर मैं लाखों तरक्कियां कुर्बान कर सकता हूं। क्षमा, बरसों की बिछड़ी मेरी मां मुझे मिल गई है। मां मिल गई है? क्षमा कहां चली? हुलिया दुरुस्त करने। तूने कहा था ना बहू का फैसला मां करेगी। मैं उसके सामने जाकर कहूंगी तेरी बहू बनने की उम्मीदवार हूं। बोल मां, मैं फेल हूं या पास? पास तो तुझे मैं सिफारिश से भी करवा लूंगा। इतने दिन बिछड़ के मां बहुत बेसुकून रही है, उसे थोड़ा सुकून मिल जाने दे, फिर उसके सामने 2 शादियों का केस पेश करूंगा। एक साथ 2 शादियां करोगे? नहीं, एक अपनी और एक अपने भाई सज्जाद की। ये रही तुम्हारी टॉफी और ये रही तुम्हारी टॉफी। शाबाश। हाँ बिटिया, ये टॉफी। सुनिए, ये आप हर रोज इन बच्चों में टॉफियां क्यों बांटते हैं? इनमें टॉफियां बांटने से मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। मेरी भी एक बेटी थी
उसे ये टॉफियां बहुत पसंद थी। जब भी इन बच्चों को देखता हूं तो मुझे इनमें उसी की सूरत दिखाई देती है। लो बिटिया ये लो, शाबाश। चलो लो बिटिया तुम भी ले लो, आ जाओ। तुम्हें बच्चों का दुख ना दे, तुमने मेरी गोद खाली होने से बचा ली भैया। ठीक है ठीक है, सुना तूने कमबख्त। क्या किया इसने? ये बच्चा उठाकर एक मां को जीते जी मारना चाहता था। कमबख्त, दे जाओ इसको, बंद कर दो लॉकअप में। असलम चाचा, आप कहां चले गए हैं? आप कैसे हैं? तेरा हूं, अभी तक ना मुरादी के सफर में हूं। आप घर क्यों नहीं आते? मां मिल गई है। मां मिल गई है, चलो अच्छा हुआ। जिस दिन अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। ए, मैं परियों की कहानी का हीरो नहीं, जिसे इश्क मोहब्बत के सिवा और कोई काम नहीं। मैं बदले की आग में जल रहा हूं। जाने कब उनके हाथों पकड़ा जाऊं, कब हथकड़ी पहना दी जाए, कब गले में फांसी का फंदा डाल लिया जाए। वापस लौट जाओ और कोई ऐसा साथी चुन लो जिसकी जिंदगी पर मौत का सहारा ना हो। सुनो सज्जाद, औरत सिर्फ एक बार प्यार करती है और वो मैंने तुमसे किया। अगर कभी बुरा वक्त आया तो मैं तुमसे पहले दुनिया छोड़ दूंगी। मेरे साथ घर चलो, मां तुम्हें बहुत याद करती है। नहीं नसरीन, आज नहीं, किसी दिन मां से मिलने जरूर आऊंगा। मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो, खुदा के लिए मेरी बच्ची को बचा लो, कोई सुनता नहीं। मेरी बच्ची, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो, खुदा के लिए मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो, बचा लो। क्या हुआ उसे? मेरी बच्ची ने दरवाजा बंद कर लिया है, वो जलकर मरना चाहती है। देखो, चाहती हो? मेहनत मजदूरी करके मैंने अपनी बेटी का जहेज इकट्ठा किया था और एक शादी कराने वाले ने रिश्ता पक्का करने का वादा किया, वो अब एक मां से लारे लगा रहा है। हमारी पूंजी खा गया है और मेरी बच्ची कवारी बैठी है। ये लोगों के ताने सुन सुनकर तंग आ गई है। आज इसने मरने का फैसला कर लिया। चल दिखा, वो हराम का ढक्कन है कौन? बेटा वो आ रहा है पाजी, वो। बलराम जी, ए बलराम जी, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार। तुम्हारी बहन, बेटी, भांजी या भतीजे की शादी का मसला है तो मेरे दफ्तर चले आओ। मेरे घर में कैसे चले आए? मुझे कर्ज चुकाना है,
कैसा फर्ज? खून का। खून? किसका खून? मेरे बाप का। तुम किसके बेटे हो? रहमत अली का। तुम्हारा वक्त तो आ ही गया है, लेकिन मरने वाले का मजाक उड़ाने वाली एक पुरानी रस्म है, मारने से पहले मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो। मैं मानता हूं बेटा, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, लेकिन मुझे माफ कर दो बेटा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश तो मैं पूछूंगा बच्चू। तुम बहुत बड़े एक्टर हो, लेकिन मैं ये फैसला नहीं कर सका कि तुम कमीने ज्यादा हो या उल्लू के पट्टे। इतनी देर से मैं इस कमरे में हूं, क्या समझते हो कि मैंने इस कमरे की तलाशी नहीं ली होगी और भरा हुआ पिस्तौल वही रहने दिया होगा? क्या मतलब? वो खिलौना जो तुम मुझ पर ताने हुए हो, उसकी गोलियां ये रही। दलील कुत्ते कमीने। मैं फिर नहीं समझ सका तुम में कमीनगी ज्यादा है या बेवकूफी। ये गोलियां इस पिस्तौल की नहीं, अब ये पिस्तौल भरा हुआ है। तुम चाहते क्या हो? इस तरह भागोगे तो तुम किसी गोली से भी मर सकते हो, और मैं तुम्हें इस तरह मारना नहीं चाहता। इस टेबल पर खड़े हो जाओ। किस लिए? पहले खड़ा हो जाओ। लो हो गया खड़ा। ये रस्सा अपने गले में डालो, इससे तो मैं मर जाऊंगा। मैं भी तुम्हें अपने हाथ से नहीं मारना चाहता। रस्सा डालो। इंस्पेक्टर हैदर स्पीकिंग। क्या? इंस्पेक्टर हैदर, कानून की फाइल में मरने वालों के नाम के आगे खुदकुशी लिखा गया है, लेकिन मेरी नजर में यह खुदकुशी नहीं, कत्ल है, और मुझे शुबा है कि कातिल तुम्हारा भाई है। मेरा भी यही ख्याल है सर। तो वो अब तक आजाद क्यों है? तुमने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सर, शुबे का फायदा देकर एक जज किसी मुजरिम को सजाए मौत के मुकदमे से बरी तो कर सकता है, लेकिन शुबे की बिना पर कानून किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन ये कत्ल किसके खाते में जाएंगे? जिसने कत्ल किया है सर, मुझे सबूत की तलाश है। जिस दिन सबूत मिल जाएगा, ये नहीं देखूंगा कि सामने मेरा भाई है, उसे हथकड़ी लगाकर कानून की बालादस्ती साबित कर दूंगा। अरे शमा बेटी। अरे मामा, तुम बहुत बेवफा निकली, जेल भिजवा के भूल ही गई। मेरा जर्फ देख, मैंने जेल में भी तुझे याद रखा, और देख तेरे लिए सुहाग का जोड़ा लाया हूं। अरे बहुत ऊंची जगह तेरा रिश्ता तय किया है, करोड़ों की असामी है, तू भी राज करेगी और तेरे मामा के फाके भी दूर हो जाएंगे। क्या मेरा सौदा करके आया है? अरे नहीं, होगी तो शादी ही। अगर चार पैसे तेरे मामा को मिल जाए तो क्या बुरा है? ये सोच कर बात करना मामा, तेरे इशारों पर नाचने वाली शमा मर गई है, और अब जो तेरे सामने खड़ी है वो हैदर की इज्जत है। कौन हैदर? इंस्पेक्टर हैदर। इसने मुझे जेल भिजवाया, अगर अब उसका नाम लिया तो तेरी जबान खींच लूंगा, समझी? मैं हैदर की अमानत हूं, उसके सिवा किसी के शेष पर नहीं जाऊंगी। Thank you.
है माँ। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, चल चल। मुझे बचा ले माँ। अरे बकवास मत कर, वो तुझे नहीं बचाएगी। अगर कोई नहीं बचाता तो मैं भी तेरे साथ नहीं जाऊंगी। मैं इस घर में खुदकुशी कर लूंगी। माँ तुझे मुझसे हमदर्दी नहीं? कहती हूँ बोलो माँ, बोलो। तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तू यह क्या कर रहा, चल लेकर। वो शमा। अच्छा तो तू उसके पीछे यहां तक पहुंच गया। अरे कमीने, क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला रहा है? मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल यार। नजमा की खुदकुशी को नहीं भूली है। इनमें किसी और को मरते देखने का हौसला नहीं है। मैं तुझे खुदकुशी नहीं करने दूंगी, मैं तुझे खुदकुशी करने नहीं दूंगी बेटी। तू जिंदा रहेगी माँ। कौन? इंस्पेक्टर। इसमें याद आ गई तुझे? इंस्पेक्टर नहीं, बेटा का माँ। तुझे भूल कर भी इसकी भूख तुझे याद रही। पागल खाने में खड़ी होकर उसी के दुखों की रिपोर्ट लिखवाना चाहती थी। मुझे मुझे बेटा कहकर आवाज दो मां। मैं तेरा बेटा हैदर हूं। हैदर बेटा। मां, ओ मां, ओ मां। अरे ये तेरा बेटा सज्जाद है मां। सज्जाद दूर क्यों खड़ा है? मां से नाराज है क्या? आ मेरे सीने से लग जा मेरे लाल। जहां इतना इंतजार किया, थोड़ा इंतजार और कर मां। तेरे सीने से लग गया तो तेरी ममता की गर्मी मेरे दिल में भड़की हुई बदले की आग को ठंडा कर देगी। इस आग को अभी ठंडा मत कर मां, जलने दे मां। इसलिए कि इस दुनिया में तेरा एक मुजरिम अभी जिंदा है। सज्जाद बेटा। सर उस वार्डन का पता चल गया है। वो वार्डन पीपल वाले मजार के पास रहता है। कौन हो तुम? मैं तेरी मौत हूं। पहचान मुझे, मैं रहमत अली का बेटा हूं। रहमत अली का बेटा? जेल के बेकाऊ दलाल, तूने मेरे खानदान के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। मैं दो को तो ठिकाने लगा चुका हूं। चल बता, तुझे खरीदने वाला आखिरी कुत्ता कहां है? चल बता। बताता हूं, बताता हूं, बताता।
बता, तुमने किसके इशारे पे वार्डन का खून किया है? बता, बोल। अकबर सेठ के इशारे पर। कहाँ रहता है वो? पशुपति मंदिर के पीछे। जा, टाइम बम तुम्हें वहां पहुंचने से पहले ही उड़ा देगा। सड़क देखकर क्यों नहीं चलते? मेरी आंखें नहीं है बेटा। हाँ, चलो मैं तुम्हें सड़क पार करा दूं। लो, सड़क पार हो गई। अल्लाह तुझे जिंदगी दे बेटा। तो जीप उड़ गई। आग के शोलों ने राख कर दिया होगा उस उल्लू के पट्ठे को। राख मैं नहीं हुआ, राख तुझे करने आया हूं। जिसकी जहां मौत लिखी होती है वो वहां जल के आ जाता है। अरे तूने जिन्हें मारना था मार दिया, अब तू मेरे हाथ से मरेगा। नहीं, तेरी मौत मेरी मुट्ठी में है। अरे तूने बिल्ली को मार दिया, मैंने सदमा सह लिया। अनवर सेठ को मारा, मैं खून के घूंट पी कर चुप रहा। आज मुझे मौत की धमकी देने आया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जला दूंगा तुझे और तेरी राख को हिमालय की चोटी पर ले जाकर सारे नेपाल पे बिखेर दूंगा। बक बक कर ले जितनी करनी है। इस गोली पे मैंने तेरा नाम लिखा है। गोली चलाने से पहले ये तो देख ले, तुझे मरता देखने के लिए मैंने किस किस को बुलाया है। नहीं, आज तू एक बार फिर मौत का बाजार नहीं सजाएगा। आज मैं तुझे एक नई कयामत नहीं ठाने दूंगा। Thank you.
माफ कर दे बेटा, माफ करने में बड़ा ही, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं तो बड़ा बन जाऊं लेकिन ये दुबट्टा माफ नहीं करेगा। तेरे जैसे बेगैरतों की नजर में ये दो गज का टुकड़ा है, लेकिन उसे बीवी स्तर पर ले तो वफा उस पे कुर्बान, मां सर पे ले तो तकद्दस का ऐलान। बहन बेटिया इससे वजूद धापे तो हया उनकी बना लेती है। मुझे माफ कर दे बेटा। इस दुनिया में जितने भाई हैं खुदा उनकी इज्जत की हिफाजत करे। पूछ उनसे तू माफ करने के काबिल है। वैसे दरिंदे तूने ममता की कलीम मसल दी, बाप की आबरू भाई की गर्व को अपनी हवस की आग में जलाकर राख कर दिया। तूने खुदा के बनाए हुए पाकीज़ा रिश्ते की तोहीन की है। तू फांसी के फंदे से तो बच सकता है लेकिन इस फंदे से नहीं बच सकता। क्या तू नहीं चाहता कि मैं अपनी बीना और पब्लिक के सामने सुर्ख रूह होकर जाऊं? तू मेरा भी तो रब है, जिस दरिंदे ने मेरी जिंदगी को नासूर बना दिया है उसको मेरे सामने ला। मैं तेरी किबरियाई को पुकारता हूं, अपने प्यारे हबीब के सत्ते मेरे मुजरिम को मेरे सामने ला। परवरदिगार मेरे सामने ला। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप सब लोग मेरी बातें सुनने के लिए यहां पे तशरीफ लाए हैं। आप लोगों के सामने बड़े बड़े पंडाल सजे, मजलूम लोगों का दर्द लेकर बड़े बड़े सेवक, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े लीडर आए, दुख दुखी बजाकर, तमाशा दिखाकर बड़े बड़े मदारी गए। हजरात, आप लोग मासूम हैं, भोले भाले हैं, आपने उनके रंग देखे, ढंग देखे, सियासत देखी, वादे सुने, उन्होंने आपको सुहाने ख्वाब दिखाए और कामयाब रहे। लेकिन मैं आपसे कोई वादा नहीं करूंगा इसलिए कि वादे तोड़ दिए जाते हैं। मैं आपको कोई ख्वाब नहीं दिखाऊंगा इसलिए कि ख्वाब पूरे नहीं किए जाते। हजरात, मेरा मिशन आपकी खिदमत करना है। आपकी खिदमत करते करते मैं अपना सर कटा दूंगा, अपना आप मिटा दूंगा, अपना जूद। मामा जी, भांजी, आगे जलसा खुद ही संभाल लेना। इतने बड़े मजमे में मुझे अकेला छोड़ गया, इतने बड़े तूफान को मैं अकेला कैसे संभालूंगा? इसके बारे में इसके यार की वो 10,000 वाली बात बिल्कुल ठीक निकली।
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं भागने वाला नहीं हूं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं इकबाल जुर्म करता हूं, मैंने किया है अख्तर चौधरी का खून, मैंने किया है, मैंने किया है। पहचानिए मुझे योर ऑनर, पहचानिए मुझे और निकालिए बरसों की गर्द में अटी हुई वो फैले और याद कीजिए अपना फैसला। यहां इसी कटहरे में खड़े होकर मैंने अख्तर चौधरी को कत्ल करने के जुर्म में आपके इंसाफ पसंद कलम से लिखा हुआ अपने खिलाफ 14 साल कैद बामुशक्कत का फैसला सुना। यहां इसी कटहरे में पहचानिए मुझे। फैसला आपने तब दिया था लेकिन उस बदकार वैश्य परिंदे को कत्ल मैंने अब किया है। अब मैंने कत्ल किया है अख्तर चौधरी को इसलिए कि जिससे अखलाक शराफत और जिंदगी शर्मिंदा हो उसे इस जमीन पर जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। मैंने उसे कत्ल किया है योर ऑनर, जो मेरी बेकसूर बीवी अब मेरी मासूम बच्ची की मौत का जिम्मेदार था। यह खून मेरे लिए इसलिए भी जरूरी था ताकि मैं उस कुत्ते का गुनाहगार खून उसी के चेहरे पर मलकर मरने के बाद अपनी बीवी और बच्ची के सामने सुरखरू हो सकूं। योर ऑनर, मुझ मेरे गुनाह को सजा देकर आपने इंसाफ का तो भूल भाला कर दिया लेकिन खरीदे हुए गवाहों के बयानात और घड़े हुए सबूतों को बुनियाद बनाकर फैसला लिखने वाला आपका इंसाफ ये नहीं जानता योर ऑनर कि मेरी मासूम बच्ची कैसे मरी। आपका कानून ये नहीं जानता योर ऑनर कि कानून के इंसानों की बस्ती में दंदनाते दरिंदों ने जेल की सलाखों के पीछे बंद मुझ बेबस की लावारिस और बेसहारा बीवी की इज्जत लूट ली। आपका कानून नहीं जानता इस समाज में लुटी हुई एक औरत मौत के अंधेरों में खो तो सकती है लेकिन सर उठाकर जी नहीं सकती। मेरी बीवी ने अपनी बेटी को साथ लेकर खुदकुशी कर ली योर ऑनर। खुदकुशी कर ली उसने इसलिए कि उसके सामने अपनी बच्ची का कोई मुस्तकबिल नहीं था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लावारिसी की नहुसत में पलकर जवान होने वाली बच्ची चोरनी जेब कतरी तबाह बन जाए। ये देखिए जैसा ये देखिए देखिए ये मेरी बीवी बच्ची सिर्फ जज बनकर नहीं एक बाप और एक शौहर बनकर देखिए देखिए क्या मेरी बीवी के नसीब में यही लिखा था कि हवस परस्तों के नापाक हाथ उस स्वागत के हाथों के कचरे मसल क्या इस दुनिया में मेरी बच्ची को भेजते वक्त खुदा ने उसके नसीब में ऐसी भयानक मौत लिखी थी। देखिए जज साहब अगर इन बेगुनाहों के खून के धब्बे अख्तर चौधरी के दामन पर थे तो इंसाफ की आस्तीन भी बेदाग नहीं थी। ऑर्डर ऑर्डर बोलने दीजिए मुझे इसलिए कि आज आपका इंसाफ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि आपका कानून किसी भी मुजरिम को एक जुर्म में दो बार सजा नहीं दे सकता। योर ऑनर सुना आपने एक जुर्म में दो बार सजा नहीं दे सकता लेकिन अगर आप अख्तर चौधरी के खून में रंगे हुए हाथों को सजा देना ही चाहते हैं अगर फांसी के फंदे को मेरे गले का मुकद्दर बनाना ही चाहते हैं तो पहले लौटाइए लौटाइए मेरी जिंदगी के वो 14 साल जो मैंने जेल की काल कोठरी में गुजार दिए लौटाइए मेरी बीवी की लुटी हुई आबरू लौटाइए मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी योर ऑनर लौटाइए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जिस मकसद के लिए मैं जिंदा था वो आज पूरा हो गया है योर ऑनर। अब दुनिया की कोई जेल मुझे कैद नहीं कर सकती कोई हालत मुझे
सजा नहीं दे सकती। हाँ, कोई अदालत अब मुझे सजा नहीं दे सकती। अब दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरी बीवी और मेरी बच्ची से मिलने से रोक नहीं सकती। सुना आपने, मेरी बीवी और मेरी बच्ची से मिलने से रोक नहीं सकती, रोक नहीं सकती। आज तेरे बेटे के सीने में भड़की हुई बदले की आग ठंडी हो गई।